झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा आम जिंदगियों को खतरा कम उम्र के युवक कर रहे हैं। क्लिनिक खोलकर प्रैक्टिस स्वास्थ्य उपनिरीक्षक ने दिया कार्रवाई करने का आश्वासन। फर्जी क्लिनिक के ऊपर अब होगी कड़ी कार्रवाई। उपनिरीक्षक अमित तिवारी ललितपुर। आपको बताते चलें कि ललितपुर क्षेत्र बैठना में एसके राय बंगाली क्लिनिक पर कम उम्र के युवक कर रहे हैं प्रैक्टिस। आम जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ललितपुर शहर में एवं ग्रामीण अंचलों में फर्जी डॉक्टरों की भरमार को लेकर ललितपुर उप स्वास्थ्य अधिकारी अमित तिवारी ने लिया मामले को तुरंत संज्ञान में, कार्रवाई करने के दिए दिशा निर्देश। जी सर, कल हम लोग जब घूमने के लिए निकले नई साल के पर्व पर, तो बैठना रोड पर मैंने कुछ देखा कि एक नाबालिग बच्चा, जिसकी उम्र मात्र नाबालिग नहीं कह सकते लेकिन हाँ काफ़ी कम उम्र थी, वो प्रैक्टिस कर रहा था बीच चौराहे पर। तो जब उससे मैंने पूछा तो कहने लगा कि भाई हमारे ये रिश्तेदार की दुकान है और मैं यहाँ पर अभी कुछ दिनों के लिए बैठा हूँ। तो क्या सर ये जायज़ है, लीगल है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। हम लोग इस बारे में जांच करेंगे, टीम बनाकर यहाँ से भेजेंगे, एक दो दिन के अंदर उसकी डिग्री किस अधिकार से वह प्रैक्टिस कर रहा है इस सारी गतिविधि का पता लगाएंगे। अगर वो गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।